चलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मोबाइल के मदद से आप इस तरह का क्रिसमस वाला पोस्टर बनाए, तो जैसे कि अभी क्रिसमस आने वाला है तो वो पोस्टर बनाए, तो सबसे पहले आपको पिक्सलैब ऐप में आना है। पिक्सलैब ऐप में आने के बाद, सॉरी, सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पिक्सलैब ऐप। अगर पहले से डाउनलोड है तो इसको ओपन करना है डायरेक्टली। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो होगा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो हम बता देते कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए पहले कोई भी ब्राउजर में आ जाना है। कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, गूगल या फिर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सर्च करना है जो हम बार बार बताते हैं, मेनू ट्रिक्स, ये सर्च करना है। जो चैनल का नाम है वही सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आएंगे तो यहाँ पे blogger.com आ जाएगा मेन्यू ट्रिक्स का। तो इस तरह इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको ऊपर में अगर दिख जाती है 25 दिसंबर वाला पोस्ट तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने पर यहाँ पर देख लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर सर्च करना है 25 दिसंबर, इतना सर्च कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम सर्च कर दिए हैं। सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं डालना है, हम स्पेस डाल दिए थे 25 दिसंबर में तो इसी कारण नहीं आया। तो यहाँ पे स्पेस नहीं डालना है और सर्च कर देना है। जैसे ही ये सर्च करिएगा तो देख लीजिए यहाँ पे ये आ चुका है। तो यहाँ पे रीड मोर पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही रीड मोर पर क्लिक करिएगा तो आप देख लीजिए इस तरह का पोस्टर बनेगा। तो देख लीजिए फोटो भी मेरा है यहाँ पर लगा हुआ और यहाँ पे नेम भी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे PLP फाइल है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे करेंगे तो पासवर्ड आपको नीचे मिल जाएगा, 4 स्टेप में पासवर्ड मिलेगा। तो उसको आप देखते रहना है और आगे हम चलिए बताते हैं। उसके बाद फिर से पिक्सलैब ऐप को ओपन कर लेना है। उसको जैसे ही ओपन करिएगा तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और ओपन PLP पे क्लिक करके, और यहाँ पे PLP पे क्लिक करके जो था जहाँ पे आप सेव करेंगे वहाँ से आपको देख लीजिए इस तरह का होगा। इस पर क्लिक करना है और ये ऐड कर लेना है। तो चलिए हम पहले से ऐड किए हुए हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं फिर आगे बताते हैं। तो हम इसको ओपन कर लिए हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पर देख लीजिए। तो ये अपना फ़ोटो कैसे यहाँ पे पहले इसको एडिट करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिमूव BG करना है और बैकग्राउंड को हटा देना है पहले फ़ोटो में से। पहला लिंक आएगा, पहला लिंक पे क्लिक करना है सिंपली। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो होगा, अपलोड इमेज पे क्लिक करके आपको जो भी इमेज है, तो जैसे कि ये इमेज है तो हम इस इमेज को क्लिक करके डन कर दिए हैं। डन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग होने के बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो ये हटा देगा। तो उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद, हम पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको बीच वाले पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इम्पोर्ट होगा तो इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर क्लिक करके इमेज में आ जाना है। फिर उसके बाद डाउनलोड होगा। डाउनलोड में आने के बाद ये एडिट वाला, इसको बैकग्राउंड वाला, इसको ले लेना है। फिर उसके बाद क्रॉप कर लेना है अपने हिसाब से। तो क्रॉप कर लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, नीचे धुंधला करना है। तो वो कैसे करेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे इसी में इरेजर का ऑप्शन होगा। इरेजर में आके इसको फुल कर देना है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देना है, और बड़ा कर लेते हैं इसको भी, और इसको इस तरह से कर देना है। तो देख लीजिए ऐसे आपको धुंधला कर देना है। तो हम कर दे रहे हैं इसको, इस तरह से आपको धुंधला कर देना है और यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है और इस तरह का फोटो बन जाएगा। इसको छोटा करना है और यहाँ पे आना है। फिर से आपको क्रॉप में आना है। अगर फोटो इधर घुमाया तो इसको इधर घुमा देना है। हम चलिए इसको इधर घुमा दे रहे हैं। फिर देख लीजिए इधर हो चुका है और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए इस तरह ऐड कर देना है। और यहाँ पे अगर आपका कोई चैनल है या फिर आपका कहीं पे अकाउंट है तो वो सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे डाल के आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। सॉरी, ये नहीं है,
यहाँ सेव पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। फिर डिफॉल्ट में आके नीचे स्क्रॉल करके अल्ट्रा पे सेव टू गैलरी कर लेना है। तो पासवर्ड आपको मिल गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो आप नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा तो उसमें जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे पिक्स लैब वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वैसे भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, उससे आप बहुत सारे इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं, शादी का पोस्टर भी बना सकते हैं।